नवी मुंबई के पास रायगढ़ के उरण में कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद हड़कंप मचा है। इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एनएसजी कमांडो खुद निगरानी कर रहे हैं। हमले की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं मुंबई पुलिस भी लगातार संदिग्धों की तलाश में जुटी है। उरण के संदिग्धों का स्केच जारी किया गया है और नौसेना बेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल कुछ स्कूली बच्चियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने बुर्का पहने 5 से 6 संदिग्ध देखे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद नेवी फौरन हरकत में आई और हेलीकॉप्टर की मदद से इन संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एटीएस और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तो संदिग्ध देखे गए जिसके बाद अब अलर्ट किया गया है। हर तरफ नेवी अलर्ट पर है। नित्यानंद शर्मा हमारे साथ है। नित्या, जिस तरीके से स्केच जारी किया गया है, संदिग्धों को देखा गया है, बुर्का पहने हुए थे, स्कूली बच्चों ने भी ये जानकारी दी है, इनको ट्रेस करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज कल रात से ही जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो उरण से सटे हुए जो भी इलाके हैं वहाँ बड़ी तेज तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ना बल्कि पुलिस बल्कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, साथ ही साथ नेवी की तरफ से भी एक गश्त लगाया जा रहा है। और जो भी आसपास के, आपको बता दें, जो भी उरण से सटे इलाके हैं, साथ ही साथ जो भी बोट मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं हो रहे हैं, वो बोट की भी जानकारी ली जा रही है। और जगह जगह पर, चाहे हम बात करें रेसिडेंट्स जहां लोग रहते हैं उनके सोसाइटीज की बात करें, या जंगल झाड़ियों की बात करें, या खुले जगहों की बात करें, तो हर जगह कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। जो कमांडोज हैं वो गश्त लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक संदिग्ध के बारे में पता नहीं चल पाया है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।